आज हम यूकैरियोटिक कोशिका से प्रारंभ करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका, इस पर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देख ली हमारी। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम प्रिमेटिव टाइप सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका को अगर हम डिफाइन करें, तो सेल्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कोशिका को कहते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। जब हम फर्स्ट सेल का के बारे में जान रहे थे, तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देख लिया था कि एक वन काइंड ऑफ सेल्स इज प्रोकैरियोटिक एंड अदर काइंड सेल्स इज यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स इज वेल डेवलप्ड सेल। इसको हम क्या कहते हैं? वेल डेवलप्ड सेल, ठीक है। अब वेल डेवलप्ड सेल है तो इसका मतलब जो इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, या इसका जो फंक्शंस है, या अनदर जो थिंग्स हैं, वो कुछ चेंजेज हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। देखिए, जब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं जो बैक्टीरियल सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। और जो एनिमल एंड प्लांट, अदर वेल डेवलप्ड एनिमल एंड प्लांट में जो सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स हमारी यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स की जब उसके करेक्टरिस्टिक्स को जब हम देखेंगे, तो हम बात करते हैं कि जब भी हम कोशिका को देखेंगे ना, तो कोशिकाओं में हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। दो तरीके के कौन कौन से हैं? हम पहली बात कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, और हम दूसरी बात कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, देखो, आउटर मेम्ब्रेन हम प्रोकैरियोट को कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो प्रोकैरियोट की जब हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में एक कैप्सूल पाया गया था, ठीक, और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कैप्सूल का पार्ट्स यहाँ पर जो है डिसअपियर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। कैप्सूल की जगह अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन में एक सेल वॉल और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पाया जाएगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि अगर ये कोशिका है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, हम इसकी बात करें, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में यहां पर क्या पाए गए हैं? सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको हम? कोशिकांग। यहां कोशिकांग पाए गए हैं, यहां मेम्ब्रेन पाए गए हैं, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब प्रोकैरियोट के बाद हम सेकेंडरी टाइप की कोशिकाओं का जब अध्ययन कर रहे हैं, सेकेंडरी टाइप की कोशिकाओं को हम जब देख रहे हैं, तो वहां पर जो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ कैप्सूल तो हमें नहीं देखने को मिला, डिसअपियर हो गया पहली बात, ठीक है। दूसरी, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की हम जब बात करें, तो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल दिखेगी, और प्रोटीन और डबल लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड और प्रोटीन से फॉर्म्ड हुई, उससे बनी हुई क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। अब हम
जब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल कह रहे हैं तो हम उसमें ये कह रहे हैं कि ये एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। तो कई बार ये देखने को मिलता है बहुत बार कि एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंशिएशन या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंशिएशन। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जब डिफरेंशिएशन देखते हैं तो कहीं कई बार ऐसा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए यूनिसेलुलर एनिमल भी मिलेंगे, प्लांट भी मिलेंगे और मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे विकास होते गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते होते गया, तो उस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो कोशिकाएं हैं वो टिश्यू में कन्वर्ट हुई, टिश्यू के बाद ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऑर्गन्स बने, बॉडी में एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, सिस्टम बना, तो ऐसे करके ह्यूमन बॉडी तक बन गई। ठीक है, तो अब हम जब यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे, उसका पहले हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं यूकैरियोटिक, और प्लांट और एनिमल दोनों में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे और दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। देखो उसको मैं यहाँ क्लियर करने के लिए थोड़ा एक हमने चार्ट बना रखा है। जब हम देखेंगे प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी, जो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं सेल वॉल मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। आउटर लेयर मेम्ब्रेन, जब हम कोशिकाओं को का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि कोशिकाओं कोशिका ठीक है, तो एट फर्स्ट जो प्राइमरी जो फर्स्ट सेल थे बैक्टीरियल सेल, उनमें हमने तीन आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया, यानी जो उनको प्रोटेक्शन कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है सेल ऑर्गेनल्स को, उसके लिए तीन लेयर हैं। कहाँ पर हैं? प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोकैरियोट में। ठीक है, वहाँ पर तीन लेयर थे, एक कैप्सूल था, सेल वॉल था और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट पर आए तो प्लांट पर दो रह गए, प्लांट पर कौन कौन से रह गए, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दो दो बच गए। ठीक है, और एनिमल पर आ गए तो एनिमल में, अब एनिमल की जो आउटर लेयर है वो एक ही है, वो लेयर कौन सी है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल भी डिसअपियर हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले प्राइमरी सेल प्रोकैरियोट, जहाँ पर आउटर मोस्ट कवरिंग जो आउटर कवरिंग एरिया है वो तीन है, ठीक है, एक कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। फिर प्लांट डेवलप्ड हुए, प्लांट में दो, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद एनिमल, एनिमल में हमको कितने मिले, एक ही मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, पाई गई है, और यहाँ सेल वॉल नहीं पाई गई है। दूसरी बात, ये तो आ गया हमारा किसके उसमें, आउटर जो लेयर है लेयर। अब हम आते हैं दूसरा, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका के अंदर, ठीक है, जो एक एंजाइमेटिक या प्रोटीनियस या जेल लाइक जो स्ट्रक्चर हमने जिसके बारे में जाना है, उस कोशिका द्रव्य जिसको हम कह रहे हैं, उस साइटोप्लाज्म में क्या कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनका डिस्कशन जब हम करते हैं तो कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो दोनों में सेम है, सिमिलर पाए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, तो सिमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में भी है और प्लांट में भी है। ठीक है, और यही यही चीज हम कह रहे हैं कि अब साइटोप्लाज्म की बात। साइटोप्लाज्म में पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी मिलेगा और प्लांट सेल में। ठीक है, पहला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो इस पार्ट्स में जो ये रेड से हमने यहाँ लिखे हैं, ये सब दोनों में कम कम एंड है, दोनों में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, बोथ एनिमल में भी और प्लांट में भी, दोनों जगह पाया जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो जब एनिमल और प्लांट में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी पाए गए। ठीक, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, गॉल्जी अपरेटस जिसको हम कहते हैं, वो इन दोनों में पाया गया है। तीसरा,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक और सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों जगह हमको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर? दोनों जगह, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में हमको देखने को मिलेगा। कौन? न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होगा, पहला रफ, दूसरा स्मूथ। तो दोनों प्रकार के रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको दोनों एग्जाम्पल जो हमने कहा प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम एनिमल और प्लांट दोनों में सिमिलर हमको देखने को मिलेंगे। तो इतने ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों में एक जैसे हैं, मगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जो केवल प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे। वैक्यूल्स की हम बात करेंगे उसके बाद, सेकेंड, ठीक है। वैक्यूल्स केवल हमको प्लांट सेल में दिखेंगे, जो एनिमल सेल में अगर या तो नहीं दिखेंगे, दिखेंगे तो बहुत इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल बहुत छोटे दिखेंगे, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स यहाँ पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन प्लांट, हम जिन ग्रीन जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल प्लास्टिड, ठीक है। लवक, लवक अक्सर जब हम लवक की बात करेंगे तो प्लास्टिड की बात करेंगे तो वो हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, लाइसोसोम भी देखने को हमको मिलेगा, एनिमल सेल में फंक्शनल होगा, वहां देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, दो एक ऑर्गेनल्स जो यहाँ पाए जाते हैं, और एक जैसे सेल वॉल हो गया, वैक्यूल थोड़े का इन कंपैरिजन टू एनिमल, एनिमल में दिखेंगे तो स्मॉल, नहीं तो नहीं दिखेंगे। और क्लोरोप्लास्ट, ये एक दो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन है, और बाकी जो मुख्य हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे दोनों में सिमिलर दिखते हैं। इसलिए हमने इन दोनों को कहाँ रखा है? यूकैरियोटिक सेल में। अब यूकैरियोटिक सेल्स की जो मुख्य बात है, ये एक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की मुख्य बात है इस न्यूक्लियस से, यहां न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस में जब हम देखेंगे तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब बात की थी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं कि वो प्रिमेटिव टाइप का न्यूक्लियस, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? कहाँ पर नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पर। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम जब उसकी स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि इस न्यूक्लियस के बाहर यहां पर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगा होता है, ऐसे ऐसे एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगा हुआ है इस तरीके से। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। बहुत छोटी सी छोटा सा डिफरेंस है ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण, क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जो क्रोमेटिन मटेरियल था, जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल था, वो मटेरियल क्या था? पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था, पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये फैल गया था, ये साइटोप्लाज्म एरिया है, इस साइटोप्लाज्म में क्या हुआ था? फैल गया है। लेकिन जब हमने यूकैरियोटिक सेल्स को देखा सेकेंडरी, जब इसको देखा तो यहां पर
डबल लेयर्ड कहते हैं हम, दो लेयर हैं इनके बॉडी में, ये एक लेयर ये बनी थी, एक ये बनी है, दो बनी है, देखो डबल लेयर्ड ऑर्गेनल्स है। जैसे माइटोकॉन्डिया, डबल लेयर्ड में क्या है, ये माइटोकॉन्डिया है। माइटोकॉन्डिया का भी ऐसी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक लेयर ये है, दूसरा लेयर इसके ऐसे इस तरीके से, दूसरा लेयर भी बनी रहती है ऐसे, दो लेयर है देखो, एक लेयर दो लेयर। तो कुछ ऑर्गेनल्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो डबल लेयर्ड है ऐसे दो लेयर, उनका भी यहाँ पर विकास हो जाता है, उनका भी डेवलपमेंट होता है, हो जाता है, वो ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये पूछ सकता है इस क्वेश्चन को आपसे, ध्यान देना इसको, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और साथ ही जैसे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो डबल लेयर, दो लेयर है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात को। अब देखिए, हमने न्यूक्लियस की बात की, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल है, यानी कि डीएनए आरएनए की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डीएनए है वो विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन विथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या था कि डीएनए आरएनए तो है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर अब ये हिस्टोन प्रोटीन भी उसके साथ विथ हिस्टोन प्रोटीन है, पाया जा रहा है। ठीक, एक तो कवर हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया गया है, दूसरा डीएनए जो है वो विथ हिस्टोन प्रोटीन है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नाउ अदर ऑफ ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना, उसके लिए वर्क करना, उसके लिए कार्य करना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को जब हम देख रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ जब हमने देखा तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया था, नहीं था, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया गया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा फंक्शन करने के लिए एक ऑर्गेनल्स है जिसका नाम क्या था, मीजोजोम। उस मीजोजोम से डेवलप्ड होकर के यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, इस माइटोकॉन्ड्रिया का हम फिर अध्ययन करेंगे, जब हम इन सेल ऑर्गेनल्स का भी इसकी जस्ट आगे हम जाएंगे तो इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रीफली आपके यहाँ पर इन सारे एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अध्ययन करना है, उसके उसका फंक्शन देखना है, उसका मॉर्फोलॉजी देखनी है, फिजियोलॉजी देखनी है, और किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, ये सारा इनका स्टडी करनी है। यहाँ पर देखेंगे हम, पहले हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, सेल किस तरीके से है, क्या है, फिर हम एक एक ऑर्गेनल्स को डिटेलिंग उसके आगे जाएंगे। नाउ सेकेंडरी, सेकेंड राइबोसोम इज मोस्ट इंटरेस्टेड सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम, राइबोसोम मेजोजोम, ये दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, मेजोजोम का डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है, मेजोजोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पावर हाउस ऑफ सेल्स की तरह वर्क करता है, और यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल्स की तरह वर्क कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर यहाँ तक, समझ गए ना इतनी बात। अब बात आती है राइबोसोम की, राइबोसोम यहाँ पाए गए हैं, और राइबोसोम अपने आप में हम कह रहे हैं कि 70S एंड 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जो थ्री राइबोसोम है यहाँ पर, 80S टाइप राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे, और ये जो 70S टाइप का था ये कहाँ पाया गया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स पर। क्लियर,
प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया गया। ओके क्लियर है ना यहां तक? राइबोसोम 70S कहां पाया गया है? प्रोकैरियोटिक सेल पर। और यहां पर जो है वो 80S टाइप के, जब 80S टाइप का राइबोसोम की हम दो सब यूनिट को देखेंगे तो वहां पर 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट, ये दो सब यूनिट के सेल्स के राइबोसोम्स जो है हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। ठीक है क्लियर। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। नंबर थर्ड, ये सेल ऑर्गेनल्स हमें प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिला था। मिला था? नहीं मिला था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस न्यूक्लियस से ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो यहां पर ये पूरा जो इतना पार्ट्स यहां दिख रहा है ना आपको, यहां तक ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको दो प्रकार से देखने को मिलेगा, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर और एस ई आर, आर ई आर एंड एस ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ का मतलब खुरदरा, उसकी बॉडी में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, जब हम माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उस वक्त हमें इसकी बॉडी में कुछ ऐसा कुछ सेलुलर टाइप का, कुछ ऑर्गेनल्स टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमको वहां पर प्रोवाइड हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो जो दिखाई दे रहा है वो रफ होने के लिए यहां पर क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स जो पाया जाता है उस, वो कहीं कहीं पर तो हमको रफ दिखाई देता है, यानी कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ ऑर्गेनल्स जैसे स्ट्रक्चर जैसे हमको देखते हैं वो स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम है, ये तो फ्री राइबोसोम है यहाँ पर जो दिख रहा है, फ्री राइबोसोम सेल के अंदर सेल्फ। ठीक है, और इसके इसके यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे स्ट्रक्चर हमको जब दिखाई देगा तो ये जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक में अटैच हुआ राइबोसोम। इस सेंटेंस को मैं बार बार, जब से सेल के लेक्चर हमारा प्रारंभ हुआ है तब से मैं इस सेंटेंस को बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी हम राइबोसोम की बात करेंगे, जहाँ पर हम पूछेंगे कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, चाहे वो अकेले है ऐसे फ्री है साइटोप्लाज्म में, या वो किसी ऑर्गेनल्स के साथ अटैच है या कुछ भी है, राइबोसोम जहाँ आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे, ब्रीफली इसका अध्ययन करेंगे। नाउ नेक्स्ट लाइसोसोम, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम जो एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स है एनिमल सेल का। लाइसोसोम देखो एक छोटा सा एक सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, पूरे कोशिका में ये दिखने को सिंगल दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही होगा, ये पूरे कोशिका इस सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, रहते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसका मुख्य कार्य बताओ क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करना इनका वर्क है, इनका फंक्शन है लाइसोसोम का, डाइजेशन करेगा, यानी कि सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, जो यूजलेस मटेरियल है उसको क्या करेगा, इनगल्फ करने का कार्य करता है, खत्म करने का, लेने का, यानी कि डाइजेस्ट करने का अंदर। ठीक, इस कारण से
लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सुसाइडल बैग कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में इस कोशिका के अंदर जो एंजाइम का सिक्रीशन करता है, वो एंजाइम इस सेल में जो भी पार्ट्स है, उन जितने भी पार्ट हैं जो दिख रहा है आपको अभी, जो नहीं दिख रहा है वो भी, जो इस कोशिका के अंदर आएगा उस भाग को इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, उसका डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, कोशिश ही नहीं उसको डाइजेस्ट करेगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वाटर आ गया तो वाटर खत्म, वाटर को ये क्या करने लग जाएगा, खत्म करने लग, डाइजेस्ट करने लग जाएगा। यहाँ पर कोई प्रोटीनियस पार्ट्स आ जाएगा, कोई एंजाइम आ जाएगा, जो भी आएगा उसको क्या करेगा, इनगल्फ करने का काम। ठीक है, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग यानी लाइसोसोम है, एक सेल ऑर्गेनल से है हमारा। नाउ वी विल डिस्कस प्लांट सेल की ओर जब हम जाते हैं, तो एनिमल सेल की बात हमने कर ली। ठीक है, अब हम प्लांट सेल की ओर जाते हैं। देखो प्लांट सेल में सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिखा, एक सेल वॉल दिख गई, सेल वॉल। सेल वॉल क्या कर रही है, बॉडी की सबसे आउटर कवरिंग एरिया है और उसके शेप को बना रही है, एग्जैक्ट स्पेस उसको जो शेप एंड साइज तो देना है उसको बनाने में हेल्प कर रही है। दूसरा सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किससे बनी है कहा हमने, किससे, सेल्युलोज से बनी है। ठीक है, सेल्युलोज से बनी है। सेल्युलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन चीजें हैं, एक दो तीन, पॉलीसेकेराइड से बनी है, सेलुलोज से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, तीन चीजें आ गई। सेल वॉल जो शेप को मेंटेन कर रही है इसके, किस कहाँ पर है, सिर्फ प्लांट सेल पर है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एनिमल सेल्स के सेल ऑर्गेनल्स को हमने देख लिया, उनका अध्ययन कर लिया, उनके बारे में जाना। अब हम ब्रीफ एक एक करके अभी हम आएंगे इसका न्यूक्लियस की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और ब्रीफली हम आगे जाएंगे। फिलहाल हम अभी इनका मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। सेल वॉल के बारे में बार बार आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड की बाईलेयर, बाईलेयर होती है, लिपिड की बाईलेयर। ठीक है, देन वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर वैक्यूल्स देखो, ये वैक्यूल्स देखने को मिल रहा है हमको, ये भाग जो है ये वैक्यूल्स, लार्जर वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल है। और वैक्यूल्स क्या कर रहा है, जो मटेरियल है, वैक्यूल्स का मतलब होता है वैकेंट स्पेस, खाली स्थान। जब हमने सीलोम पढ़ा था, सीलोम के समय हमने कहा था कि वैकेंट स्पेस, सीलोम कहा था ना जब वेल डेवलप्ड। अभी तो हम कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल की। तो इसके बाद जब टिश्यू बने, टिश्यू के बाद जब ऑर्गन बन गए थे, जब बॉडी थी, तो उस वक्त हमने कहा था व्हाट इज सीलोम, सीलोम इज ए वैकेंट कैविटी कहा था हमने। ठीक है, तो उसको सीलोम नाम दिया गया, वो भी वैकेंट कैविटी है, लेकिन ये एक सेल के अंदर है, तो इसको नाम दिया गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक खाली स्थान है, इस खाली स्थान में जो कोशिका का, जो सेल का, जो वेस्ट मटेरियल या जो भी उसका ऐसा मटेरियल है जो स्टोर करके रखना है, वो यहाँ पर स्टोर होगा। कहाँ पर होगा स्टोर, यहाँ पर, ये स्टोरेज, ये एक स्टोर करने की एक जगह है। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी, कि वैक्यूल्स क्या है, स्टोर करने की जगह। ये वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में दिखेंगे तो बहुत
माइनर एरिया में बहुत कम, और नहीं तो ये नहीं दिखते हो। कहाँ पर दिख रहे हैं हमको? प्लांट सेल पर। यहाँ तक क्लियर है बात? समझ में आ गई यहाँ तक? सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं दिखेगी, एनिमल सेल में केवल हमको क्या देखने को मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे बनी है? प्रोटीन और लिपिड बाई लेयर, लिपिड के बाई लेयर है, ठीक है, लिपिड से। तो दोनों जगह, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल की बात कहते हैं, दोनों साइड में, दोनों जगह प्रोटीन और लिपिड की ही बनी है। सेल वॉल केवल प्लांट में दिख रही है, तो सेल वॉल जो है वो किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज को हमने पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर यहाँ तक? अब दूसरा, हमने वैक्यूल्स की बात कर ली, ठीक है, देन बाकी तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेम, देखो ये न्यूक्लियस पार्ट है, इसके बाहर लगा हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी पाया गया है और प्लांट सेल में भी पाया गया है, एक साथ, एक ही जैसे हैं दोनों में, दोनों की एक ही बात है। यहाँ भी स्मूथ और रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एनिमल सेल में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे वो प्लांट सेल के अंदर हो चाहे वो एनिमल सेल के अंदर हो, दोनों में राइबोसोम लगे हैं, वो राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में हेल्प कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नाउ एक गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी कॉय जिसको हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोनों जगह, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी, गोल्जी कॉय, गोल्जी ऑपरेटस, ठीक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, गोल्जी कैमेलो गोल्जी ने इसको खोजा है, इसलिए इनका इस ऑर्गेनल्स का नाम ही रख दिया, साइंटिस्ट ने अपने नाम पर रख दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेचर्स, ठीक है, इन नामों से हम इसको जानते हैं, गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय, ये सब नाम इसके हैं और सब एक ही ऑर्गेनल से, और ये दोनों जगह पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिमिलर है, एनिमल और प्लांट सेल में सिमिलर है, दोनों पावर हाउस ऑफ सेल, चाहे प्लांट सेल की बात कहें चाहे हम एनिमल सेल की बात करें, दोनों सेल की पावर हाउस, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक। एक चीज है यहां पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। हम कहते हैं ना हरे पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट, क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की प्रेजेंटशिप में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंटशिप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के निर्माण करने के कारण, इस क्लोरोप्लास्ट के कारण, ये हम इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी हरे प्लांट हैं, उन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और वो सब फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के साथ एनवायरनमेंट
जो भी उनका इन्वायरमेंट है, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हैं चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट से CO2 को लेकर के वाटर की प्रेजेंसशिप, वाटर के साथ वो रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंसशिप में, और ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस थोड़ी कई बार कंफ्यूजन करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी श्वसन अभिक्रिया की जो प्रोसेस है, वो उसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, यानी वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। वो लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रोसेस है और दिन रात हमेशा चलती रहेगी। कौन सी प्रोसेस? रेस्पिरेशन प्रोसेस। एनिमल भी करेंगे, प्लांट भी करेंगे, ठीक है, और दिन रात चलती रहेगी। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये केवल डे टाइम ही चलती है। डे टाइम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सनलाइट की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूर्ण की जा सकती है, उससे पहले नहीं की जा सकती। आई बात समझ में? क्लियर? तो जो प्लांट, ये क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में पाया जाएगा, वो क्या करेंगे, उनको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। यानी हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। खाने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस ऑक्सीजन की हम बात कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण करने की हम बात कह रहे हैं, ठीक है। उसको फोटोसिंथेसिस कहेंगे, उस रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को शो करने के लिए हमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है। अब जिन एनिमल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जिन एनिमल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उन एनिमल को हम ग्रीन एनिमल कहेंगे। कोई एग्जांपल है ऐसा? एक्सेप्शनल केस है, यूग्लिना एक एक्सेप्शनल केस है। सामान्यतया एनिमल सेल में, सामान्यतया एनिमल सेल में हमको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब क्लासिफिकेशन किया गया, जब टैक्सोनॉमी, अब हम टैक्सोनॉमी में आ रहे हैं, इस क्लोरोप्लास्ट या और भी सब चीज़ों को देख करके जब क्लासिफिकेशन किया गया, तो जब किंगडम सिस्टम को रखा गया वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ क्या किया गया कि प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटिया, ऐसे करके रखा गया, ठीक। तो किंगडम, अब प्लांट की हम बात करें तो प्लांट, हमने कहा जितने भी प्लांट हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता वो प्लांट हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं जो ग्रीन है, कह दिया हमने, जिनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाया गया है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया गया है, जहाँ क्लोरोफिल पाया गया है, वो जो प्लांट हैं उन प्लांट की हम बात कह रहे हैं। तो इन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर हैं। मगर प्लांट सेल के जो और स्ट्रक्चर हैं, मोस्टली जो स्ट्रक्चर हैं, अगर वो कहीं पर देखने को मिल रहे हैं तो उनको हमने प्लांटिया में रखना है। एनिमल, जैसे हमने किंगडम बनाया ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा जो हमने बनाया है, जहां हमने कहा कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और युगलीना, तो इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। ये प्रोटिस्टा है, ये प्लांट नहीं है, ये पूरे एनिमल भी नहीं है। प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम बनाया गया जिनमें हमने क्या करा, यूनिसेलुलर एनिमल जो ऐसे एक्सेप्शनल हैं, यूनिसेलुलर एनिमल को है यूकैरियोटिक सेल्स, ध्यान देना, इनको एनिमल है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक नहीं है। ऐसा नहीं बोलोगे कि वो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। लेकिन क्या है, उनमें जो युगलिना है, युगलिना में क्या पाया गया है, क्लोरोप्लास्ट पाया गया है। देन क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से
उसको हमने कहा कि ये ग्रीन एनिमल है, और ग्रीन एनिमल होने के कारण वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करेगा ये, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ऐसे जो प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट किंगडम जब हम बात करते हैं ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटिया, तो जितने भी प्लांट हैं, प्लांट की हम बात कर रहे हैं कि वो मूवमेंट को शो करता है, लोकोमोशन को शो नहीं करता है, ऐसी साधारण टैक्सोनॉमी की जो बात आती है। तो जब ये मूवमेंट को शो करेगा तो इसका मतलब हिलेगा डुलेगा, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं। प्लेस चेंज नहीं करेगा, स्थान को चेंज नहीं कर पाएगा। जब प्लेस चेंज कर देंगे तो हम उसको कहेंगे लोकोमोशन, और जब अपनी जगह खड़े रह करके हिलना डुलना, जैसे मैं हाथों को हिला रहा हूँ अभी, तो हिलने डुलने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे मूवमेंट। और अगर जाएंगे भी, जब हम कुछ इस छोटे जब उसमें हम जाते हैं यूनिसेलुलर में, तो वो सेल्फ के एनर्जी से ना होकर के प्लांट जो वाटर के थ्रू बह करके, जैसे हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर जैसे एल्गी की हम बात कर देते हैं सपोज, ठीक है, तो वो एनर्जी की हम बात करते हैं कि सेल्फ एनर्जी से जाना चाहिए। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे भी एनिमल थे जो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, जो अपना जो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, जैसे वो रख दिए गए एक किंगडम फंजाई में, फंगस, जैसे मशरूम की हमने बात की, तो मशरूम में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन उसकी कोशिका में और ऑर्गेनल्स जो हैं वो ऐसे जो प्लांट सेल हैं इस तरह से पाए गए हैं, इसलिए हमने उसको प्लांट में रख, प्लांट के साइड उसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। मगर जब टैक्सनॉमी को हम देखते हैं तो टैक्सनॉमी के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग किंगडम, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजिया, किंगडम एनिमिलिया को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में रखा गया है युगलिना को, मैं मुख्य यहाँ पर आना चाह रहा था कि हमने युगलिना को प्लांट में क्यों नहीं रखा है, क्यों एनिमल में रखा है, तो मुख्यतया हमने उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, प्रोटोजोअन को, जितने भी प्रोटोजोअन है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उसको हम प्लांटिया कहेंगे, एक्सेप्शनल युगलिना है। ठीक है, तो ये देन उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो यूनिवर्सल है, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल है कि यहाँ न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन होगा, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पाया गया है, बिल्कुल एनिमल सेल की तरह। ठीक है, यह हमारा एनिमल सेल है। तो अब हम इसके बाद जो अदर नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यानी इनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स का। तो सबसे फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स से आएगा वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, थैंक यू बच्चों।